आज आपको एक इतनी बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कोरोना के बारे में। समय वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे और आप सुनेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। ये इतनी जबरदस्त सूचना और जानकारी है आपके लिए कि आपके बहुत ही काम आने वाली है। आपने देखा होगा कि आज के समय में सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त तरीके से लोग वीडियो क्लिप बना रहे हैं और उन वीडियो में कोरोना के ऊपर कई सारी जानकारियां आपको साझा कर रहे हैं। उन जानकारियों में ऐसी जानकारियां भी साझा कर रहे हैं कि आइए चुटकियों में आप 2 मिनट के अंदर बॉडी की ऑक्सीजन बढ़ा लीजिए, आइए 2 मिनट के अंदर आप बिल्कुल जो डेड लंग्स हो चुके हैं उनको ठीक कर लीजिए, आइए 1 मिनट के अंदर हम आपकी कोरोना को ठीक कर देंगे, आइए इस आसन को करने से आपकी ऑक्सीजन लेवल तुरंत बढ़ जाएगी, आइए ये करने से ये हो जाएगा, आइए वो करने से वो हो जाएगा। तो मित्रों, आपको आपने देखा भी होगा और आपको मैं समझा भी रहा हूं, कई लोग पहले भी बता चुके होंगे, न्यूज पे भी देख चुके होंगे, गवर्नमेंट ने भी बोल चुका है, कैसे भ्रामक जो वीडियो है या ऐसी जो भ्रामक सूचनाएं हैं या जो ऐसी भयंकर खतरनाक जानकारियां हैं, यह आपकी जिंदगी पर कहीं ना कहीं रिस्क लेने वाली है। आप समझिए, किसी व्यक्ति को कोरोना हो चुका है और उस व्यक्ति को कोरोना के साथ लंग्स में प्रॉब्लम हो चुकी है, उसका टेस्ट स्मेल जा चुका है, उसको सांस की तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन की उसकी कमी हो गई है, तो वो क्या वो आसन करने लगेगा उस समय जब उसकी ऑक्सीजन कम हो गई है, वो डॉक्टर से संपर्क करेगा या वो दूसरी जो ऑक्सीजन है जो सिलेंडर में से हम ऑक्सीजन लोटू लेते हैं वो लेगा, या उस समय आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये आसन कर लेना चाहिए, ये आसन से तुरंत मेरी ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, ऐसे कुछ करने से, ऐसा काढ़ा पीने से तुरंत मेरी ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, तो ऐसी जो भ्रामक जानकारियां हैं इनसे आपको बचना है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा अड्डा बन चुका है कि इस अड्डे पर आपको हर चीज 98% यहां पर ऐसी चीजें मिलेंगी कि किसी न किसी तरह से आपको उस वीडियो पर उन्होंने अपने व्यू बढ़ाने और उस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी पहुंच बनानी है। बस चाहे वो जानकारी सही हो चाहे वो जानकारी गलत हो, पहले आप उस जानकारी को वेरीफाइड कीजिए और वेरीफाइड करने के बाद ही आप उस तह तक जाइए और तह तक जाने के बाद ही आप उसको अपने ऊपर लागू करें। अगर ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए घातक साबित हो सकता है। दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं कि क्या आप जानते हैं कि आपको कोरोना होकर जा चुका है, या ऐसा है कि आपको कोरोना हो गया और आपको पता ही नहीं लगा। आपको पता है कि भारत के अंदर पहला कोरोना का केस केरल के अंदर 30 जनवरी 2020 को आया था और कई सारे केसेस या कई सौ केसेस सबसे पहले केरला में ही मिले थे और उसके बाद यह कोविड-19 या कोरोना भारत के अंदर फैलना चालू हुआ था। चाइना में दिसंबर से ही यह कोरोना चालू है और आज 16 महीने इसको हो चुके हैं, 16 महीने से कोरोना समाप्त नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। और आप देखिए कि इन 16 महीने में कैसे हो सकता है कि आप कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हों या कोरोना को डिफीट दे चुके हों, कोरोना को हरा चुके हों, ये कैसे आप कह सकते हैं? आपने कभी देखा अपने ऊपर, आपने कभी सोचा या आपने कभी समझा कि कोरोना के क्या सिम्टम्स होते हैं? आपको अभी भी 16 महीने से भारत के अंदर कोरोना चल रहा है, लेकिन भारत के 90% लोगों को कोरोना के लक्षण पता नहीं है। भारत में अभी भी 10% लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना के लक्षण पता हैं। आप समझिए कोरोना के क्या लक्षण होते हैं, आपको क्या इन 16 महीने में ये लक्षण होकर जा चुके हैं। देखिए, जैसे आपको भयंकर कोल्ड हुआ हो, खांसी हुई हो, आपको फीवर रहा हो, आपको कभी चेस्ट कंजेशन रहा हो, आपको कभी डायरिया रहा हो, स्मेल आपकी खत्म हो गई हो, सूंघने की शक्ति खत्म हो गई हो, आपका खाने का स्वाद जा चुका हो, आपके लंग्स ने ऑक्सीजन खींचना कम कर दी हो और आपको सफोकेशन लगता हो, जैसे इसके अलावा आपको आपकी आंखों में हल्की हल्की खुजली या इचिंग या इस तरीके से कुछ मचलाहट महसूस होती हो, शरीर के अंदर भयंकर थकान कोरोना का सबसे बड़ा लक्षण है कि आपको बहुत भयंकर थकान 2-4 दिन रही हो, 8 दिन रही हो, 5 दिन रही हो। और इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात, दो चीज इससे पहले जो मैंने बताई थी, 80% ऐसी मान्यता है कि कोरोना होने पर दो चीज आपकी खत्म हो जाती हैं, जैसे लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट,
ये दो चीजें कोरोना पे 80% साइंस ने ऐसा माना है कि 80% लोगों को दो चीज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल। तो आप समझिए कि आपको कोरोना हो गया। इनके अलावा जो सिम्टम्स शरीर के अंदर आते हैं, जैसे घबराहट होना, बेचैनी होना, कई बार कोरोना वाले व्यक्ति का बीपी भी लो हो जाता है, उसको भयंकर थकान, शरीर में एकदम अलग अलग तरह के लक्षण आने लग जाएंगे आपको। कई बार शरीर में ऐसा लगेगा जैसे रेस्टलेस शरीर हो गया है, पांव में हड़ फुटन रहेगी। तो आप समझिए कि ये जो आपके सिम्टम्स है, इनमें सबसे भयंकर सिम्टम्स होता है खांसी, गले में खराश आपको महसूस होगा, चेस्ट कंजेशन आपको महसूस होगा कि यार ये सब चीजें, इनमें से आधी भी चीजें मुझे हो गई हैं। और आप समझिए कि अगर आपको इनमें से आधी चीजें हो गई हैं, तो आपको निश्चित है कि आपको कोरोना होकर चला चुका है, जा चुका है, आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, आपके अंदर इम्यूनिटी अब डेवलप हो चुकी है, जो कोरोना को पहले भी हरा चुकी, और अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। भारत के अंदर ऐसा देखा गया है कि भारत के अंदर कोरोना फैलने का सबसे बड़ा कारण था, भारत के लोगों ने कोरोना को कभी भी सीरियस लिया ही नहीं, और आज ना सीरियस लेने का आप जो खामियाजा भुगत रहे वो दुनिया में देकर है। कोरोना का जो अगर आप हरा सकते हैं, तो उसमें एक आपके आगे और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो है कि आपको कोरोना पॉजिटिव नहीं होना, आपको आपके माइंडली पॉजिटिव होना है। एक घटना आप अभी देखिए, लेटेस्ट जो घटना थी कि एक महिला एक डॉक्टर के यहां गई और वो कोरोना पॉजिटिव थी, और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में उसके लंग्स 95% डैमेज हो चुके थे, जो उसके एल्वोलोई थे वो एल्वोलोई बिल्कुल डैमेज हो चुके थे, वो ऑक्सीजन खींच ही नहीं पा रहे थे। और आप जब समझो कि जब ऑक्सीजन ले ही नहीं पाएंगे, एल्वोलोई खींच नहीं पाएंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकाल पाएंगे, और जब CO2 निकलेगी नहीं, CO2 एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगी शरीर के अंदर, और जब CO2 बढ़ जाती है तो व्यक्ति एकदम घबराहट जाता है, बहुत भयंकर उसके अंदर घबराहट बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। और आप समझिए जब उसको डॉक्टर ने बोला कि नहीं भाई, उसके घर वालों को बोला कि नहीं भाई आपकी इनके 95% लंग्स डैमेज हो चुके हैं, 5% लंग्स काम कर रहे हैं, अब ये बचेंगे नहीं, आप इनको वापस ले जाइए। और जब वो वापस लेकर गए तो उसके घर वालों ने उस महिला को उल्टा बताया, वो बोले कि नहीं भाई आपके 5% ही लंग्स डैमेज है, 95% आपके लंग्स ठीक हैं, इसलिए आप ठीक हो। और कुछ दिन के बाद वो महिला संपूर्ण ठीक हो चुकी थी, 100% स्वस्थ हो चुकी थी, लंग्स स्वयं 100% ठीक हो चुके थे। यह पॉजिटिविटी का कमाल है। अगर आपने सोच लिया कि नहीं यार मेरे को इतने सारे लक्षण है, मेरे को ये सारी समस्या है, तो आप समझिए कि आपको आपके ऊपर रिस्क फैक्टर ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिविटी व्यक्ति के शरीर की क्रियाएं खत्म कर देती है, उसके ऊपर कोई भी दवाई नहीं लगेगी, कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, कोई भी क्रिया उसके शरीर पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो व्यक्ति माइंड से नेगेटिव हो चुका है, अब उसके शरीर पर कोई भी चीज अपना काम नहीं करेगी। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो कोई भी कुछ भी कैसी भी क्रिया आपके शरीर के ऊपर कर दी तो निश्चित है कि आप ठीक हो जाओगे। आप समझिए कि कोरोना हमारे सेंटर में भी जब हम काम करते थे तो हम 12 आदमियों का स्टाफ है, एक समय ऐसा था कि हम 12 के 12 आदमियों को बहुत भयंकर तरीके से खांसी, सर्दी, जुखाम, बुखार, सब व्यक्तियों को, किसी को डायरिया, किसी को गले में खराश, किसी को सफोकेशन, किसी को ऐसा लगता था कि इसको पता नहीं कितनी घबराहट और बेचैनी हो रही है, लेकिन सब व्यक्ति 4-4, 5-5 दिन में सब व्यक्ति ठीक हो चुके थे। हमारे सेंटर के अंदर हर व्यक्ति को कोरोना हो चुका है, हर व्यक्ति को, और वो हर व्यक्ति परफेक्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति पॉजिटिव था और हम पॉजिटिव थे, क्योंकि हमने कई सारे लोगों को ट्रीटमेंट देना था और हमने कई सारे लोगों को ठीक करना है, इसलिए हमने कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं और हम नेगेटिव नहीं रहे, इसलिए हमारा कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ऐसी कोरोना की महामारी में आपने अपना ध्यान रखना है। फिर मैं आपको बताता हूं कि कोरोना अगर आपको होकर जा चुका है तो फिर दोबारा शायद आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अन्यथा तो आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आपको तकलीफ होगी, आप बड़े अंदर से परेशान होएंगे, और आप समझते हैं कि आज का समय बहुत खराब है, तो आपको इसीलिए नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है हमेशा।
नमस्कार।